दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को पुनः सरकार बनाने का जनता ने जिस तरह से मौका दिया, मुख्य तौर पर इस चुनाव में दिल्ली के लोगों ने तीन संदेश दिए। पहला, दिल्ली के अंदर अब तक जो ट्रेडिशनल राजनीति चलती रही है जाति की, धर्म की, क्षेत्र की, उसकी जगह काम की राजनीति चुनाव जीत सकती है। काम की राजनीति जनता चाहती है, इस पर मोहर लगाया। दूसरा जो संदेश दिल्ली के लोगों ने दिया, भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के और खास तौर से गृह मंत्री अमित शाह जी, पूरा मंत्रिमंडल, 200 से ज्यादा सांसद, पूरे देश के विधायक और संगठन, दिल्ली के अंदर जिस तरह से नफरत की राजनीति को, ध्रुवीकरण की राजनीति को, जिस तरह से नकारात्मक राष्ट्रवाद के मुद्दे पर दिल्ली के अंदर राजनीति को मोड़ना चाहते थे, दिल्ली के लोगों ने ये जवाब दिया कि दिल्ली के अंदर लोग मोहब्बत की राजनीति पसंद करते हैं, सकारात्मक राष्ट्रवाद की राजनीति को पसंद करते हैं। और तीसरा जो संदेश, चूंकि दिल्ली एक राज्य नहीं है, दिल्ली एक मिनी इंडिया है, दिल्ली के अंदर पूरे देश के लोग आकर के रहते हैं और दिल्ली के अंदर पूरे देश के लोगों ने जो आज मैंडेट दिया है वो एक देश के अंदर देश के राष्ट्र निर्माण का एक नया मॉडल, दिल्ली के अंदर एक गवर्नेंस का नया मॉडल भी खड़ा हुआ है। चुनाव के बाद पूरे देश भर से आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए लोग फोन करने लगे, परिणाम आते ही। उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से हमने एक मिस कॉल नंबर जारी किया, 9871010101, जिस पर पूरे देश से लोगों ने मिस कॉल करके जुड़ना शुरू किया है। शपथ ग्रहण के दिन पूरे देश के अलग अलग राज्यों के जो हमारे पदाधिकारी हैं, शाम को 16 तारीख को मुख्यमंत्री जी के आवास पर सभी पदाधिकारियों की बैठक हुई थी और राष्ट्र निर्माण अभियान पूरे देश के सभी राज्यों में चलाने का निर्णय हुआ, जिसमें खास तौर से 20 राज्यों में के पदाधिकारी उस दिन मीटिंग में मौजूद थे। कल से राष्ट्र निर्माण अभियान 23 फरवरी से 23 मार्च तक देश के 20 राज्यों में पार्टी शुरू करने जा रही है। इन राष्ट्र निर्माण अभियान के तहत कल से देश के सभी 20 राज्य जो हैं, वहां पर पोस्टर अभियान पार्टी ने यह शुरू करने का निर्णय लिया है। ये पोस्टर जिसमें पार्टी से जुड़ने के लिए सेंट्रल जो नंबर है वो देश के हर कोने में हम ले जाने का अभियान शुरू कर रहे हैं, 9871010101। ये पोस्टर देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में तैयार किया जा रहा है, कन्नड़ भाषा में, तमिल भाषा में, मलयालम में, मराठी में, उड़िया में, बंगाली में, अलग अलग राज्यों की जो भाषाएं हैं उसमें ये तैयार किए जा रहे हैं। नंबर मिस कॉल नंबर यही रहेगा जिसमें ये मिस कॉल सेंट्रल डेटा में आएगा और यहां से फिर हम अलग अलग राज्यों को वो डेटा जो है वो भेजेंगे।
जिसके माध्यम से वहां संपर्क किया जाएगा। इसके साथ साथ देश के हर राज्य में कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू कर रहे हैं। तीसरा, देश के जितने प्रमुख शहर हैं वहां पर राज्य के जो हमारे पदाधिकारी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली के अंदर जो गवर्नेंस का मॉडल है, काम की राजनीति है, जो यहाँ का विकास का मॉडल है दिल्ली का, और सकारात्मक राष्ट्रवाद का जो मॉडल यहाँ खड़ा हुआ है, इस पर पूरे देश के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके लिए अलग अलग राज्यों में हमने राष्ट्र निर्माण अभियान के लिए कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं। गुजरात में किशोर भाई देसाई इसका कोऑर्डिनेशन करेंगे अभियान का। छत्तीसगढ़ में कोमल भूपेंडी, मध्य प्रदेश में पंकज सिंह, राजस्थान में रामपाल जाट, उत्तर प्रदेश में सभाजीत सिंह, उत्तराखंड में राकेश सिन्हा, पंजाब में भगवंत मान, हरियाणा में सुशील गुप्ता, असम में डॉक्टर भवेन चौधरी, बिहार में शत्रुघ्न साहू, झारखंड में जयशंकर चौधरी, वेस्ट बंगाल में संजय बासु, आंध्र प्रदेश में डॉक्टर प्रसाद, तमिलनाडु में डी सुधा, पांडिचेरी में रवि श्रीनिवासन, तेलंगाना में रामू गौड़, गोवा में एल्विस गोम, कर्नाटका में पृथ्वी रेड्डी, महाराष्ट्र में रंगा रंजुन, उड़ीसा में निशिकांत महापात्रा। ये 20 राज्यों में जहां पर अभी प्रथम चरण का राष्ट्र निर्माण अभियान का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। अभी तक जो आज की डेट तक, कल से ये राज्यों का राष्ट्र निर्माण अभियान शुरू होगा, लगभग मिस कॉल 16 लाख लोगों ने अभी सेंट्रल नंबर पे मिस कॉल देकर के पार्टी से जुड़ने का निवेदन किया है, जिसमें कुछ प्रमुख राज्यों का मैं आपको बता देता हूं। दिल्ली में 1,72,269 लोगों ने मिस कॉल किया है। उत्तर प्रदेश में 1,81,212 लोगों ने, पंजाब में 1,60,128 लोगों ने, गुजरात में 1,22,315 लोगों ने, महाराष्ट्र में 92,869 लोगों ने, बिहार में 89,212 लोगों ने, राजस्थान में 1,12,310 लोगों ने, मध्य प्रदेश में 87,026 लोगों ने, छत्तीसगढ़ में 58,728 लोगों ने, हरियाणा में 52,332 लोगों ने, कर्नाटका में 54,729 लोगों ने, आंध्र प्रदेश में 62,422 लोगों ने। ऐसे ही अलग अलग राज्यों का डेटा जो है अभी तक जो राष्ट्र निर्माण अभियान से लोग जो सेंटर नंबर से मिस कॉल से जुड़े हैं, कल से ये सभी राज्यों में ये शुरू होगा और 23 मार्च तक ये अभियान चलेगा पहले चरण का। उसके बाद फिर सभी राज्यों के साथ जो कोऑर्डिनेटर बनाए हैं उनके साथ समीक्षा करके आगे की रणनीति जो है वो पार्टी तय करेगी अपने संगठन विस्तार में।